आदरणीय श्याम बिहारी जी मिश्र और श्री घनश्याम दास जी अग्रवाल, श्री मुरलीधर जी राव, श्री महेंद्र जी पांडे और हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा यहाँ उपस्थित मेरे सब, और हमारे दिल्ली प्रदेश के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री विजय जी गोयल, श्री अशोक जी यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं जब इस मंच पर आया तो पंडित जी से मैं ये पूछ रहा था कि पंडित जी ये होली मिलन का कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, होली मिलन का कार्यक्रम नहीं है, ये आपके अभिनंदन का कार्यक्रम है। बहनों भाइयों, जब भी किसी को कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो स्वाभाविक रूप से उस संगठन अथवा उस संस्था के कार्यकर्ताओं को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और इस अभिनंदन समारोह के माध्यम से अपनी प्रसन्नता का वह इजहार करते हैं। लेकिन सचमुच यदि मुझसे यदि कोई पूछे कि आपको कब खुशी होगी, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पद मिलने के कारण मुझे खुशी उतनी नहीं हुई है। सचमुच यदि खुशी होगी मुझे तो उस दिन होगी जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराएगा 15 अगस्त को, उस दिन मुझे बेहद खुशी होगी। खुशी हमको उस दिन होगी जिस दिन ऐसी सरकार इसे हिंदुस्तान में आएगी जो सभी के जान माल की सुरक्षा की गारंटी देगी और देश को एक ऐसी अर्थव्यवस्था देने का काम करेगी जिस अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश में बढ़ती हुई आय की विषमता यानी इनकम डिस्पैरिटी को कम किया जा सके और साथ ही साथ जिस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, उस दिन हमको बेहद खुशी होगी। जो नौजवान अपने बेरोजगार हाथों के लिए काम चाहते हैं उनके हाथों को काम मिल सके और जिनके पास योग्यता प्रतिभा क्षमता है उस योग्यता और प्रतिभा क्षमता के अनुसार उन्हें अपना योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सके, जिस दिन ऐसी व्यवस्था होगी उस दिन हम सब लोगों के बेहद खुशी होगी। जहां तक व्यापार का संबंध है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि बहनों भाइयों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यदि कहा जाए तो हमारे देश का यह व्यापार है। लेकिन विडंबना यह है कि इस हिंदुस्तान की हमारी आज की हुकूमत इस व्यापार जगत के महत्व को समझ नहीं पा रही है और जब से हमको आजादी हासिल हुई है तब से शायद देश के इस व्यापारिक ढांचे को, देश की इस व्यापार व्यवस्था को सुधारने की दिशा में यदि सरकार ने प्रयत्न किया होता तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके समकक्ष आकर खड़ी हो गई होती। लेकिन हुकूमत ने कभी जो ध्यान देना चाहिए नहीं दिया। टैक्सेशन सिस्टम का जिस तरीके से रैशनलाइजेशन होना चाहिए था, विवेक सम्मत तरीके से करों का जो निर्धारण होना चाहिए था, यह सब सरकार ने किया नहीं। समस्याएं बहुत सारी हैं, मैं बहुत विस्तार में जाकर कोई लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। राजकोषीय घाटा जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं वह तेजी के साथ बढ़ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट जिसे चालू खाता घाटा कहते हैं वह भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिर रही है। यह सब संकट बढ़ते जा रहे हैं। इनकम डिस्पैरिटी आय की विषमता बढ़ रही है। हालात इस हिंदुस्तान में ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमारे जो देशी इन्वेस्टर्स हैं, देशी पूंजी निवेशक हैं, वह भी अपनी ही धरती पर अपने देश में पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर वह अपना पूंजी निवेश करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हालात आज की हुकूमत ने पैदा किए हैं। यदि ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो उसके लिए इस भारत सरकार की आर्थिक नीतियां, इस भारत सरकार का आर्थिक नियोजन और भारत सरकार के रहते हुए जो भ्रष्टाचार के अनगणित मामले हुए हैं वही प्रमुख कारण है जिन कारणों से देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्गति हुई है। इतना आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के चुनाव में जनता की अदालत में जाएगी तो उसके पहले हम देश की जनता को यह बताने का भी यह प्रयास करेंगे कि हमारी यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम इस देश को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देंगे ताकि हम भारत को आगामी 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर देश का विश्व का एक सबसे धनवान देश बना सकें। यह कैसे होगा, वह हमारा क्या इकोनॉमिक मॉडल होगा, उसको भी हम देश की जनता को बताने की कोशिश करेंगे। केवल कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की विफलताओं के आधार पर ही हम चुनाव के मैदान में नहीं जाएंगे, नकारात्मक मुद्दों के आधार पर ही हम चुनाव के मैदान में नहीं जाएंगे। जाना होगा तो हम सकारात्मक मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। इन सब सारी चीजों के संबंध में विचार करने का सिलसिला हमारी पार्टी ने प्रारंभ कर दिया है और मैं समझता हूं कि आगामी कुछ महीनों के अंदर ही हम इस काम को पूरा करेंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक राजनीति करने वाली पार्टी है। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता को गुमराह करके हम राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। यदि हम राजनीति करते हैं तो जनता की आंखों में आंख डालकर हम राजनीति करना चाहते हैं, जनता से नजरें चुरा कर हम राजनीति नहीं करना चाहते। आज आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई और मैं आप सभी व्यापारी भाइयों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान का जहां भी प्रश्न होगा भारतीय जनता पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी, आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं। और यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कहीं पर वैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रारंभ से ही व्यापार जगत का बराबर समर्थन प्राप्त रहा है, हमारे व्यापारी भाइयों का बराबर समर्थन प्राप्त रहा है, लेकिन हाल फिलहाल यानी विगत कुछ वर्षों में कहीं पर थोड़ा बहुत भी विभाजन यदि नजर आता हो, यदि आप लोग पूरी मजबूती के साथ ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि व्यापार क्षेत्र में लगा हुआ जो समाज है वो पूरी तरह से आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और देश की जनता की जैसी अपेक्षा है, और अपेक्षा के बारे में मुझे ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है, लोग आशा ही नहीं भरी भाजपा की और विश्वास भरी नजरों से इस बार लोग देख रहे हैं, चाहते हैं लोग कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन की अपेक्षा यदि इस देश की जनता की कोई राजनीतिक पार्टी पूरा कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। इसलिए बहनों भाइयों, आप सभी के जिस्म के पसीने की जरूरत है, जिस समय आपके जिस्म का पसीना बहेगा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा हासिल होगी, और भारतीय जनता पार्टी को यदि हिंदुस्तान की राजनीति में प्रतिष्ठा हासिल होगी तो भारत को दुनिया में प्रतिष्ठा हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, यह मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने अभिनंदन किया इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, और पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र और पूरे उद्योग व्यापार मंडल, मेरे घनश्याम जी अग्रवाल और पूरी टीम के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। क्या है एनडीए की बात, एफडीआई के बारे में तो हम लोग बोल चुके हैं, बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो एकदम बिल्कुल स्टैंड हमारा क्लियर है कि आज से नहीं प्रारंभ से ही हम खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के हम विरोधी रहे हैं और आगे रहेंगे, और खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे, यह भारतीय जनता पार्टी का दो टूक फैसला है। और मैं समझता हूं कि यदि भाजपा का कोई नेता, यदि अध्यक्ष अथवा कोई जिम्मेदार व्यक्ति एक बार कोई बात बोल देता है, बहनों भाइयों, उसका खामियाजा भले ही भुगतना पड़े लेकिन मैं पूरी सावधानी बरतता हूं कि यदि कोई बात एक बार बोल दी जाए तो उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए, उसके लिए चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि इसको बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बोल चुके हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है, रहेगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।